हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अखबार आज का है सुबह का और मैं उठ चुकी हूँ। आज है संडे, सभी को हैप्पी संडे, क्योंकि संडे वाले दिन सबका रेस्ट होता है। एक हाउस वाइफ होती है जिसका रेस्ट नहीं होता है, आपको तो पता है। बच्चे सो रहे हैं, आज लेट तक सोए हैं। मैं भी आज 7 बजे उठी हूँ फ्रेंड्स। सुबह उठते ही मैंने कुछ नहीं किया, ब्रश किया पहले। ब्रश करते ही मैंने पहले कपड़ों की भरी थी मशीन। मैं सोच रही थी कि भाई पहले मशीन लगा दूँ, फिर काम करती रहूँगी, कपड़े साथ साथ धुलते रहेंगे। तो मैंने वाइट कपड़े पहले अलग छाट लिए हैं सारे, क्योंकि सबसे पहले मैं वाइट कपड़े डालती हूँ और फिर मैं डालती हूँ सारे कपड़े। पानी गर्म कर लिया है फ्रेंड्स, मैं पीऊँगी अब गर्म करके पानी। तो सुबह सुबह पानी पीना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने पी लिया है पानी फ्रेंड्स। पी लेते हैं पानी। पानी पीने के बाद अब देखा तो मैंने सिलेंडर ख़त्म हो गया है। मैं नाश्ता बनाने के लिए गई थी बच्चों का, लेकिन सिलेंडर हो गया ख़त्म। अब सुबह सुबह सिलेंडर उठाना मेरी कमर से बड़े मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने किसी को नहीं जगाया। मेरे हस्बैंड को मैं सोचती थी सो रहे हैं, सोने दे, मैं खुद ही लेके आ जाती हूँ। अब इसकी सील निकाल लेते हैं। निकाल ली, सील निकल गई है, अब इसको मैं लगा दूँगी। और फ्रेंड, जिसको सिलेंडर नहीं लगाना आता है, जो किसी और से लगवाते हैं अपने हस्बैंड से, तो उसको मैं आज बता देती हूँ कि सिलेंडर कैसे लगता है। फ्रेंड्स, मैंने इसकी सील जो निकाल दी, पहले ही निकाल दिया मैंने, वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन बट मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये डलता है वैसे ये निकलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, इसके नीचे जो ब्लैक कलर का है ना एक रिंग होता है, ये वाला, इसको अगर हम दबाएंगे तो निकल भी जाएगा। इसको दबा के ही हमें अंदर की तरफ इसको पुश करना है ऐसे, और फिर इसको नीचे अपने आप नीचे की तरफ हो जाएगा। और फिर हम इसको ऊपर से ऐसे खींच के देखेंगे भाई लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं निकल रहा है तो अच्छे से लग गया, अगर ऊपर से खींचने से ये निकल जाता है तो हमारा सिलेंडर नहीं लगा है। अब इसको ये लग गया है, ये इधर करवट बदल रही है, बच्चे उठ चुके हैं, ये अभी सो रही है। सबसे बड़ी है ये, सबसे लास्ट में उठती है, ये अपने पापा जैसी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वाइट कपड़े पहले डाल दिए हैं, ये देखो कितने बबल्स निकल के आ गए हैं वहाँ पर, ये अभी पड़े हैं, ये अलग अलग करके मैं छाट के कपड़े डालती हूँ। अब मैं कर लेती हूँ मेरा रोज़ का काम जो मेरा होता है, कर लेती हूँ मैं कंबल तय, क्योंकि ये बच्चे तय से तो उठने वाले हैं नहीं यार, 8 बज गए हैं अभी तक बच्चे उठ नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा उठ जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया। इनका कहीं नाश्ता करेंगे तो भी उठेंगे, वरना ये उठने वाले नहीं हैं। अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, इसीलिए अब सुबह सुबह ठंड होने लग गई है, तो हम मोटे कंबल ओढ़ने लगे हैं। ये तो फिर देख, ये नहीं उठने वाले, इनके लिए ये काम है। मम्मा 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 मेरा पिल्लो दो, पिल्लो दो, देखो मम्मी मेरा पिल्लो उठा के ले, देखो फिर लेट गई। अरे यार, ये फ्रेंड दोबारा से ध्यान नहीं रहा मेरा, ये दोबारा से फिर वीडियो होगी अपलोड, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, स्पीड में ही देख लो। दोबारा हो गई अपलोड ये। मैं कपड़े वाइट निकाल लेती हूँ, तब तक मशीन ने हॉर्न दे दिया था कि हम धुल चुके हैं, कृपया आप हमें निकाल लीजिए। तो मैं इन्हें निकालने के लिए मैं आ गई हूँ, वरना बेचारे इसमें घूम घूम के पागल हो जाते। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, पोर्च भी अच्छे से धो लिया है, झाड़ू अच्छे से मार के फिर मैं इसको पोछा लगा दूँगी। वाइपर मेरा टूट गया है, 2 दिन हो गए, और मैं हस्बैंड को 2-3 बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरा एक बार कहने से तो काम करते नहीं है, उनको 10 बार बोलना पड़ता है जब जाके मेरा एक काम बनता है, क्योंकि आलस की भरी पड़ी दुकान है मेरे हस्बैंड, क्या बताऊँ मैं जाऊँगी तो ऐसे बोलूँ तू मत जाना, तू मेरा ज़्यादा खर्चा करवा के आएगी। इसीलिए मैं हाथ से ही झाड़ू से ही सारा पानी निकाला। तो अब मैं छील लेती हूँ प्याज। आज बनाने जा रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी, तो हस्बैंड के और बच्चों के ऑर्डर थे, आज मटर पनीर बनाओ, आज संडे है, कहते हैं संडे के दिन कुछ अच्छा बना जाए। वैसे मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी कुछ खास पसंद नहीं है, मैं कम खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, बट वे मुझे तो नहीं, मेरी कौन चलने देता है। अब मैंने लहसुन और प्याज छील ली है, ये इसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता, जीरा, अच्छे से चटकने देते हैं इसको, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज की स्लाइस हमेशा मैं लंबी ही काटती हूँ हमेशा ही, और ये मैंने जो हमेशा की तरह ग्राइंड करती हूँ, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, वैसे तो मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब तेल अलग हो गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ मटर।
मटर अभी फ्रेंड्स आपको पता है बहुत महंगी है, तो मैं इसलिए सफ़र मटर लेके आती हूँ पैकेट वाली, जो पैकेट बंद होती है वही मंगवाई थी। ये है बेटा का पनीर, मेरे हस्बैंड आज लेके आए हैं, मैंने मंगवाने के लिए उनको भेजा था, पूरे एक घंटे में आए हैं। तब तो मैंने सब्ज़ी को छोड़ दिया था, मुझे पता है जल्दी आने वाले नहीं हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन सी मीटिंग इनके चलने लग जाती है, मुझे नहीं समझ में आता यार। पहले मैं दो इसके स्लाइस इसमें बिल्कुल ही क्रश करके डाल देती हूँ, इससे थोड़ी सी ग्रेवी डार्क सी हो जाती है। ये देखो ये पनीर देखा और भाग के आई, अब इसका डांस स्टार्ट, डम डम डम। ये देखो इनकी बहुत ज़ोर से चुगली चल रही है, पता नहीं किसकी चुगली कर रखी है। अब इसमें उबाल आ गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये पनीर। मैं पनीर को फ्राई करके नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग पनीर को फ्राई करके डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती। तो फ्रेंड्स मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, मैंने बड़ी बेटी को बोला बेटा बर्तन धो दे, वो बोले नहीं मम्मी आज मेरा मूड नहीं, मैं बर्तन धोने वाली हूँ नहीं, वो बर्तन भी आज मुझे धोने पड़े। तो मैंने आटा बना लिया है, अब करूँगी मैं रोटियों की तैयारी, क्योंकि बच्चों को भूख लग चुकी है। यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि हमारा दूध वाला 9 या 9:30 बजे आता है। ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है, कलर बहुत अच्छा आया है, हरी मिर्च डालती हूँ, अगर लाल मिर्च डालूँ तो इसका कलर और भी अच्छा है ना, मैं कुछ रंग की मिर्च डालती हूँ ना और सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ। ये मैंने आज हाथ की रोटी बनाई है, हाथ से ना कि मैंने चकले से बेली, आज बेलने से नहीं बेली, आज मैंने हाथ से रोटी बनाई है। हस्बैंड बोले हाथ की रोटी बनाओ, मैंने हाथ की रोटी बनाई है। अब सबसे पहले मेरे हस्बैंड को दिया, क्योंकि उनको सबसे पहले ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे मुझे सबसे पहले मुझे डाल के दिया, अगर अब मैं उनको ही डाल के दे रही हूँ, बच्चे बाद में खा लेंगे, क्योंकि वो बच्चों से फालतू हैं, क्या बताऊँगा, बच्चों से ज़्यादा तो जिद वही करते हैं, बच्चे तो कम करते, बच्चे मान जाते हैं लेकिन हस्बैंड है वो नहीं मानते हैं। फ्रेंड्स ये लोग, मैं उनको पहले खाना दे आती हूँ, पता नहीं बाहर वो प्रचार करने के लिए आजकल आए हुए हैं, क्योंकि वोट डलेंगे ना इसीलिए वहाँ पे बाहर खड़े खड़े वो क्या कर रहे हैं मुझे ये बता, मैंने डाल के दे दिया। अब बारी है मेरी सबको बच्चों खिलाने के बाद, अब बारी मेरी है, खा लेती हूँ, पेट पूजा कर लेती हूँ, नाना भी है और जो बर्तन हुए हैं दोबारा फिर धोने हैं मुझे। फ्रेंड्स ये देख रही है मेरा मुँह तो आया नहीं इसमें, बड़ी शैतान है, देखो लेट के देखेगा कैमरे में मेरा मुँह आ जाएगा, इसका क्या ही करूँगा। डेढ़ बज चुका है फ्रेंड्स, देखो अब मैं नहा ली हूँ फ्रेंड्स, कल तीन छोटी नहीं परंदे दे रहा है फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए सारा काम नक्की कर दिया है मैंने, अब जाके कहीं 1:30 बजे आराम करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, अगर आपको मेरा थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक करें सब्सक्राइब, मिलते इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते बाय बाय।